आज में हम बात करने वाले की कि हकीका किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से अपनी गेमिंग वीडियो को बना सकते हो इसके अंदर कुछ चार चीजें होती है सबसे पहला होता है गेम प्ले रिकॉर्ड करना दूसरा होता है उसका इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड करना मतलब की गेम के अंदर जो गोला बारू चल रहे हैं उसके साउंड अपनी वीडियो में कैसे लाया जाता है तीसरी चीज होती है हमारा वॉइस ओवर कैसे हम कर सकते हैं चौथा होता है फेस कैम वीडियो कैसे बने जाती है आपने बड़े बड़े क्रिएटर को देखा होगा साइड में फेस कैम चल रहा है गेम प्ले भी चल रहा है काफी ज्यादा प्रोफेशनल उनकी वीडियो लगती है तो वैसी वीडियो आप कैसे बना सकते हो अपने स्मार्टफोन से आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना आज की वीडियो का लाइक हम अपन पंद्रह सो लाइक रख रहे हैं पिछली वीडियो में आपने केवल तेरह लाइक किए थे इस वीडियो में पंद्रह लाइक करने जरूरी है उसी के साथ में चैनल पर बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो बस हो गया चलो स्टार्ट करते हैं तो भैया सबसे पहले आपको कोई भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर मैंने ए जेड स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर रखा है इसकी सेटिंग के अंदर अपन को चले जाना कुछ इस तरीके से उसके बाद में आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कोई भी क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर मैंने सेवन रखा है उसके बाद में आप एफ भी सेलेक्ट कर सकते हो मैंने सिक्सटी एफ रखा है उसके बाद में जितनी भी सेटिंग है आप यहाँ से देख कर कर सकते हो आपके भी फ़ोन में उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑडियो सेटिंग होती है इसको इनेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी से इंटरनल साउंड रिकॉर्ड होने वाली है अब आपको एक ईयरफोन चाहिए होता है आप सिंपली कोई भी ईयरफोन ले सकते हो आपके में हो गई है ना उसके अंदर एक फो आएगा गूगल असिस्टेंट का तो आपको सिंपली इसको बैक कर लेना है वो जो क्लिप है आपको कभी भी हटानी नहीं, नहीं है अब यार यहाँ पर जब आपने ओपन किया था ना अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऐसा कुछ गया हुआ साइड मैगन तो आप इधर से जो है अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो अब उसके बाद में सिंपली थ्री टू वन में आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है जब आपको गेम प्ले करना होता है वह आपको कुछ भी एंकरिंग नहीं करनी है कुछ भी अपने ऑडियंस से बात नहीं करनी है उस समय केवल आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड इंटरनल साउंड ही रिकॉर्ड होने वाला है अब आपको एडिटिंग के लिए काइंड मास्टर डाउनलोड कर लेना है अगर आपको नहीं करना आता काइंड मास्टर डाउनलो तो आप सिंपली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाओ फॉलो करने के बाद में आपको एक वीडियो दिखेगी मेरे प्रोफाइल के अंदर आप उसको देखने के बाद में आसानी से समझ सकते हो कि काइंड मास्टर कैसे डाउनलोड किया जाता है उसके बाद में डाउनलोड होने के बाद में आपको सिंपली इसको ओपन करना है यहाँ पर आपको जो है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में सिक्सन स्टू नाइन को जो है सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में आपको मीडिया फाइल पर जाना है और आपका जो गेम प्ले वाली वीडियो जो आपने पिछले ट्रिक से रिकॉर्ड किए उसको सिंपली क्लिक करके जो है आपके टाइम के ऊपर इसको कर आ जाना है जैसा कि यार यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने भी अपने पूरा गेम प्ले को लेकर आ चुका हूं आप भी इसी तरीके से लेकर आ जाना अब यहां पर आपको जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जिसको केवल वॉइस ओवर करना है जिसको अपना फेस नहीं दिखाना है उसको सिंपली यहां पर एक माइक का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर एक स्टार्ट का ऑप्शन है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका वॉइस ओवर स्टार्ट हो जाएगा जिसको फेस नहीं दिखाना है ठीक है जिसको फेस दिखाना है उसके लिए इलेक्ट्रिक है आप जब रिकॉर्ड करो उस समय ईयरफोन का भी यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी आवाज थोड़ी अच्छी आएगी या फिर अगर आपके पास में कोई माइक है जैसे मेरे पास तो आप उसका भी यूज कर सकते हो रिकॉर्डिंग के टाइम पर अब बात आती है कि भैया फेस कैम कैसे रिकॉर्ड करेंगे बहुत ज्यादा आसान है सबसे पहले तो आपको अपना गेम प्ले पूरा रिकॉर्ड कर लेना है जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया उस तरीके से पूरा रिकॉर्ड कर लो उसके बाद में बात आती है फेस कैम की सिंपली आपको अपना जो भी कैमरा आपके पास में फोन का कैमरा है डीएसएलआर है कुछ भी है आपको अपने सामने रख लेना है जैसे मैंने अपना डीएसएलआर अपने सामने रख रखा है अब उसके बाद में आपको क्या करना है दूसरा फोन लेना है अपना अब ये फोन जो है कोई ज्यादा बड़ा होने की या फिर तीस चालीस के होने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर बस आपकी जो वो गेम प्ले वाली वीडियो है ना वो

तो देखो कि भैया अगला क्या है आगे क्या है मुझे वो ध्यान रखो जब भी कुछ बोलने लायक है कैमरे के, के सामने देखो बोल लो अब क्या होगा दोनों रिकॉर्डिंग तैयार हो चुकी है यहां पर एक तो होगी मेरे कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग दूसरी जो है, वीडियो ही है। अब इसकी एडिटिंग की वो मैं आपको बता देता हूं तो फेस के एडिटिंग भी बिल्कुल सिंपल रहने वाली सबसे पहले आपने जो गेम प्ले रिकॉर्ड किया उसको टाइम के ऊपर लेकर आ जाना है फिर उसके बाद में आपको सिंपली लेयर के ऊपर क्लिक करके वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करना है फिर आपके फाइल में से जो फेस केम वीडियो उसके ऊपर क्लिक करके हमें इसे भी टाइम पर लेकर आ जाना है अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हो ये थोड़ा बड़ा है तो हमें इसे क्रॉप करना पड़ेगा तो सिंपली आपको जो है इस ये जो वीडियो है ना इसके ऊपर सिंपली एक बार क्लिक करना है कुछ इस तरीके से फिर उसके बाद में आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर आप जो है क्लिक कर लेना फिर आपके जो भी साइज आपको चाहिए उस हिसाब से इसको जो है पूरा आप कर सकते हो फिर आपको राइट के ऊपर क्लिक कर लेना है ठीक है अब इस वीडियो पर मैं क्लिक करके कर थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लूंगा और आपको जहां पर भी इसकी साइज जो है पसंद है जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हो वहां पर आप रख लो जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूं अब यहां पर आपने रख लिया और राइट कर लिया अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि केवल मैं भाग रहा हूँ या फिर उस समय मेरे पास में कुछ बोलने के लिए नहीं कुल मिला के तो उस समय आपको क्या करना है सिंपली इस वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको एक सीजर का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देना है ठीक है अब यहां से मैंने जो है बोलना बंद किया ठीक है आप समझ रहे हो तो इस बात को अब वहां पर दूसरा जो स्प्लिट मैं वहां पर करूंगा जहां पर मैंने बोलना जो है वापस से स्टार्ट किया अब जैसे मैं यहां से बोलना स्टार्ट किया इस पर क्लिक करूंगा, सीजर पर मैं क्लिक करूंगा और लेफ्ट कट कर दूंगा जो पीछे वाला वेस्टेज था उसको मैं जो है हटा दूंगा इस तरीके से ठीक है अब आप देख सकते हो यहां से मैंने बोलना बंद किया था और यहां पर मैंने बोला नहीं और यहां से वापस मैंने बोलना स्टार्ट किया तो इस तरीके से आपको भी कट करना है आप वीडियो समझ सकते हो वीडियो देखने के बाद में अब यहां पर बहुत बार ऐसा होगा कि हमें जो है ना ये जो वीडियो है ना इसे जो है पूरे स्क्रीन के ऊपर लेकर आना फुल स्क्रीन पर लाना है ठीक है आप मिथपेट की वीडियो देखते हो आप उसको कभी फॉलो करना है। वो इसी तरीके से बनाता है तो सिंपली आपको क्या करना है इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है ठीक है यहां पर आप इसको तो पहले तो थोड़ा बड़ा कर लो कुछ इसे एरो से ठीक है इस तरीके से आपको पूरा बड़ा कर लेना है उसके बाद में आप यहां पर नीचे की तरफ जाओगे क्रोप का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करो और यहां से आप वापिस से उसी तरीके से पूरा वीडियो को जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लो और इसे जो है ना राइट करने के बाद में फुल स्क्रीन पर लेकर आ जाओ तो इस तरीके से आप जो है पूरी गेमिंग वीडियो की जो है एडिटिंग कर सकते हो अब धीरे धीरे आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीख सकते हो जब आपको थोड़ी एडिटिंग अच्छे से आने लगेगी तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से यार इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं तो यार बाय